सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इंसान की वाणी एक कीमती आभूषण है, इसके गलत इस्तेमाल से इंसान की चमक फीकी पड़ जाती है। जिंदगी एक खेल है, यदि तुम इसे खिलाड़ी की तरह खेलते हो तो जीत सकते हो, और यदि सिर्फ दर्शक की तरह देखते हो तो सिर्फ ताली बजा सकते हो, जीत नहीं सकते। जो तकलीफ तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते वो किसी दूसरे को मत दो। आज का पंचांग 2 मई 2024 दिन गुरुवार, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि, रात्रि 1:53 तक रहेगी। इसके उपरांत दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। धनिष्ठा नामक नक्षत्र रात्रि 1:49 तक रहेगी। इसके उपरांत शतभिषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2 बजे से 3:36 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:58 से 12:49 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर दोपहर 2:32 तक रहेगी। इसके उपरांत कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगे। वृषभ राशि 2 मई 2024 दिन गुरुवार। आज का दिन कुछ अनिश्चित सा है, आपको संवेदनशील लोगों से बात करते हुए अधिक सावधान रहना होगा। यह समय सामना करने और फैसले लेने के लिए भी उपयुक्त है। आप जिन अवांछित स्थितियों से बचना चाहते थे आपको उनमें खींचा जा रहा है, कुछ कठोर निर्णय लेने होंगे। हालांकि आप दबाव में भी सही फैसले ले पाएंगे और कुल मिलाकर अब सब अच्छा ही होगा। अनुभवी लोगों से मार्गदर्शन और सलाह पर अमल करना आपके लिए लाभदायक होगा। रुचिपूर्ण और ज्ञानवर्धक साहित्य पढ़ने में समय व्यतीत होगा। पुराने मित्रों का साथ मेल जोल होगा। विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर एकाग्र भी रहेंगे। लोगों के आलोचनाओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपकी सकारात्मकता भी बनी रहेगी। संकल्प मजबूत रखें, पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी टारगेट पर काम करना शुरू करेंगे। इस काम का अनुभव न होने के कारण डर बना रहेगा। जैसे ही काम शुरू होगा वैसे ही आपको नए मार्ग भी मिलेंगे। काम से जुड़ी नई बातों को सही तरीके से समझना होगा। अनुभवी लोगों से मार्गदर्शन मिल सकता है। लव रिलेशनशिप में सकारात्मकता भी बनी रहेगी। सावधानियां, पैसों के लेन देन को लेकर तनाव हो सकता है। अगर वाहन या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई योजना बन रही है तो उस पर उचित विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लें। युवाओं को अपने भविष्य की प्लानिंग पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बात करते हैं लव लाइफ की। आपको अपने माता पिता के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है और आज आप अपने माता पिता के साथ अच्छा समय बिता सकती हैं। अगर आप हाल फिलहाल काफी व्यस्त रही हैं तो उन्हें फोन करके या बिना बताए उनसे मिलने जाने के लिए बहुत अच्छा मौका है। इससे आपका तनाव काफी कम होगा। अपने भाई बहन या माता पिता से मिलने जाते हुए पार्टनर को भी साथ ले लें। सबके साथ होंगे तो सबको अच्छा लगेगा। अगर अकेले हैं तो आपके माता पिता आपको किसी खास से मिलवा सकते हैं। बात करते हैं करियर की। आज के दिन आपका जो निवेश और धन पर रहेगा अपने आप पर नियंत्रण रखें। आज के दिन संपत्ति के बारे में खोज खबर कर सकती हैं या किसी भी तरह के धन वृद्धि व्यापार में फंस सकती हैं। वेतन वृद्धि के लिए अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर दबाव बिल्कुल न डालें, इसके लिए अभी सही समय नहीं आया है। उत्तम होगा कि अपने वर्तमान संगठन में अधिक ज्ञान प्राप्त करने की भी कोशिश करें। नौकरी में टारगेट पूरा न होने से घर पर ऑफिशियल काम भी करना पड़ सकता है। व्यवसाय से जुड़ी परेशानियों को दूर करना भी होगा। आप अपने व्यवहार कुशलता से नकारात्मक परिस्थितियों पर काबू भी पा लेंगे। बात करते हैं सेहत की। आज के दिन आपके लिए काफी उलझन भरा रह सकता है। आपको कई तरह की सलाह तथा सभी दिशाओं में कई तरह के मौके दिखाई देंगे। आपको कई तरह की शक्तियाँ अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी, लेकिन हर किसी को खुश करने की कोशिश ना करें। इसके स्थान पर अपने मन की ही सुनें।
बेशक आपको इस वक्त अपने मन की सुनना और करना ठीक ना लगता हो। आज का उपाय, आज आप गरीबों को पीले फलों का दान करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।